मन मंदिर में तू है, दिल में भी तो तू है। आओ मेरी प्यारी बहन आओ, कितने दिनों से आस लगाए पलकों में बिठा के तुम्हारे लिए सब इंतजार कर रहे थे। हाँ बहन, तू हमारे घर की माँ लक्ष्मी है, अंदर चलो। नमस्ते। ठीक है, चलो चलो। नमस्ते। नमस्ते। आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? बच्चे जिद कर रहे थे। नमस्ते जी, किसके बेटे हो तुम? नमस्ते भैया, वीर शंकर नाथ का बेटा है। बेटा, रतला, मेरे बच्चे को क्या हुआ? मेरे बेटे को स्कूल ले जाने के बजाय घर क्यों ले आए? अरे इसे तो बहुत चोट लगी है। क्या हुआ बेटा, कैसे हुआ रतलाल? देखो, बोल, स्कूल में किसी ने मेरे बेटे को मारा? उसका नाम बताओ, मार डालूंगा उसे। नहीं साहब, बाबा स्कूल के सामने रोड क्रॉस करते हुए जरा फिसल गए। क्या? हमारा दुश्मन जिसका नाम याद आते ही हमारी रातों की नींद चली जाती है, उसने मेरे बेटे की जान बचाई, उस इंद्रसेन ने। दुश्मन है तो क्या जी, उसने हमारे बेटे को पुनर्जन्म दिया है, नहीं तो इस वक्त हम सब घर में रोते रहते। हे रत्ना, बात सुन, कल हम रोड पर जब निकलेंगे, हे वीर शंकर नाथ, तेरे मरने पर तेरी अर्थी उठाने वाला तेरे छोटे बेटे को मैंने बचाया था। अगर इंद्रसेन ने ऐसा कहा तो मेरी क्या हालत होगी? जब ये बड़ा होगा तो इसके साथ पढ़ने वाले तेरी जान उस इंद्रसेन ने बचाई ऐसा कहेंगे तो ये प्रहलाद बनके मुझे हिरण्यकश्यप बना के उसे विष्णु भगवान बना देगा, तो नरसिंह बनके मुझे नाखूनों से फाड़ के मार डालेगा। तो फिर अब आप क्या करेंगे? हमारे दुश्मन ने हमें दान में दिया, ये बेटा नहीं चाहिए मुझे। नागेंद्र, इस शव को ले जाओ और इंद्रसेन के घर के सामने लिटा दो। इस झूठी जान को वीर शंकर नाथ के थाली में भर उसके बाद फेंक दे, बोल देना उसे, जाओ ले जाओ। इंद्र भैया, इंद्र भैया, इंद्र भैया। वीर शंकर नाथ, क्या सोच के तेरा ये नाम रखा तेरे बाप ने? अपने बच्चे को मार डाला तूने। जब मेरे सामने आग उठाने की हिम्मत नहीं रही तो इस बेचारे बच्चे की जान ले ली तूने। धिक्कार है। बेटा, 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 मेरे बेटा। रुक, मार डालूंगा। ए! एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये छाती में घुसेड़ दूंगा। लो बहन, तुम्हारा बेटा। इन हाथों ने तेरे बेटे को बचाया था, इसीलिए तेरा बेटा तुझसे दूर हो गया। मुझे माफ कर दो। नहीं भैया, बेटे को आखिरी बार मुझे देखने नहीं दिया, सोच के रो रही थी मैं। इससे पहले तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बचाई और अब आखिरी बार उसको देखने का सौभाग्य भी तुमने दिया। हाथ जोड़ के तुम्हें प्रणाम करती हूँ मैं। ये क्या, भाभी तो दुश्मन के आगे हाथ जोड़ रही और तुम चुप खड़े हो? तू अपना जोश इन बेचारी औरतों पर मत दिखा। अगर तूने माँ का दूध पिया है तो मेरे सामने आ।
आजा। अरे हाँ कह दे, एक सेकंड में एक सर उड़ा देगा हमारा इंद्र, तुझे देख लेंगे। क्या देखेगा तू? मेरा बेटा मैंने मारा उसे, तुझे इससे क्या? तेरा बेटा तूने पैदा किया, पेट पर रखा या पाला उसे? सुन रे, तुझे मारूंगा तो माँ पुकारेगा, उसी माँ के दिल में छुरा भोंक दिया। तुम सब भाइयों को सिर्फ तलवार की चोट कैसे होती पता है, लेकिन जब एक माँ के दिल को चोट पहुंचती है, उसके कलेजे को तकलीफ होती है, तो क्या होता है नहीं जानते। पति के मरने पर सुहागन अपना सब कुछ खो बैठती है, मगर बच्चे के मरने पर उसका हाल क्या होता है, कैसे घुट घुट कर रोती है। देखो, इसको इसका बेटा वापस लाकर दे सकते हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं इस माँ को उसके बच्चे की याद दूंगा। देखते क्या हो, शुरू करो। देखो बहन, तुम्हारे बेटे का शरीर तो तुमसे दूर हो गया, मगर आत्मा इस तुलसी के पौधे में है। तुम हर रोज पानी डाल के उसे बड़ा करो, बढ़ते हुए इस पौधे को देखकर तुम्हें तुम्हारा बेटा याद आता रहेगा। और इन पापियों को इनका पाप सोने से पहले, उठने से पहले, खाना खाने से पहले, बाहर निकलने से पहले उस पौधे के आगे हाथ जोड़ना। अगर ये पौधा भूल से भी सूख गया तो तुम पांचों की अर्थी मैं तैयार करूंगा। वीर शंकर नाथ, पौधा है समझ के उखाड़ा तो गर्दन उड़ा दूंगा। कौन हो तुम, बिना बोले अंदर चली आ रही हो? अरे बोलती क्यों नहीं? सुशीला, कौन हो तुम, यहाँ क्यों बैठी हो? उठो। ये हमारे इंद्रसेन की कुर्सी है, इस कुर्सी पर हम भी नहीं बैठते। उठो। इतना गौरवशाली है तुम्हारा इंद्रसेन, सर उठा के देखो। जब मैंने कहा उठने को तो नहीं उठी, आप देखो अपने आप उठ गए। हमारे इंद्रसेन को देख के ये लड़की तो क्या भाई, राज्य की कोई भी लड़की हो उसे उठना ही पड़ता है। मैं शिवनाथ की बेटी हो तुम, पूरा नाम स्नेहलता। कैसे पता चला? क्या मेरे फेस में मेरे पिताजी की सूरत छपी है? नहीं, तुम्हारे मुंह पर झलकते हुए घमंड को देखकर। क्यों आई हो? जिसे मैंने चाहा मैं उससे ही शादी करूंगी, ये बोलने आई हूँ। तुम जिसे चाहती हो वो हमारे गांव में, हमारे ही घर में कौन है? तुम मुझमें तुम्हें क्या पसंद आया? दुश्मन के घर तुम्हारा शेर की तरह आना मुझे पसंद आया। मेरे भाइयों को धमका के तुमने अपनी मर्दानगी दिखाई, और तुम्हारी नजरें मुझे बहुत पसंद आई। ग्रीक शिल्प ने जैसे बनाया ये फिगर पसंद आया, तेरी चाल में एक स्टाइल है, और क्या बोलूं, टोटली तेरी बॉडी में जो कुछ है सब कुछ मुझे पसंद आया। तुम भी तो मुझे पसंद आनी चाहिए। क्या कमी है मुझ में? तुम्हारे सिवा इस दुनिया में किसी से शादी नहीं करूंगी। शर्त मत लगाओ, कुंवारी रह जाओगी तुम। अगले श्रावण के महीने के अंदर तुम्हारे हाथों मंगलसूत्र ना बंधवाया तो मेरा नाम स्नेहलता नहीं। चैलेंज।
क्यों? मेरे स्टाइल को देखकर मुझसे बात करने का मन हो रहा है? अपने घर के रीति रिवाज दिखाना चाहता हूँ। हमारे घर में कोई भी औरत आए तो उसका सम्मान करके ही भेजते हैं। दीदी थैंक्स, इसे मैं आपका शगुन समझ के रखूंगी। हमारी शादी में यही साड़ी पहन के आऊंगी। इंद्रसेन, ये लोग औरत की आड़ लेकर हमसे फिर नाटक खेल रहे हैं, मुझे शक है। अमेरिका से अभी अभी आई है ना, इसलिए इसे उस घर की हवा नहीं लगी है।